एक सैनिक की दिल को छू लेने वाली कहानी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हानिया वायस 786 के यूट्यूब चैनल पर। ये कहानी एक सैनिक की है जो वियतनाम में युद्ध के लिए गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसके घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को सैन फ्रांसिस्को से फोन किया। माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ, क्या मैं उसे ला सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है, हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी, माता पिता ने जवाब दिया। लेकिन पहले एक बात आप लोग जान लें, सैनिक बोलता गया, युद्ध में वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था और उसमें उसने अपना एक हाथ और पैर गवा दिया है। उसके पास कोई जगह नहीं है जहां वो जा सके, इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूं। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ, हो सकता है हम उसके रहने के लिए कोई जगह तलाश कर सकें। नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो, इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा। हमारी अपनी जिंदगी है जीने के लिए और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति हमारी जिंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले घर आना चाहिए और अपने दोस्त को वही छोड़ देना चाहिए, वो अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। सुनकर उस सैनिक ने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को सैन फ्रांसिस्को पुलिस से एक संदेश मिला जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस के हिसाब से ये एक सुसाइड केस था। दुखी माता पिता ने तुरंत ही सैन फ्रांसिस्को के लिए फ्लाइट बुक कराए और वहां पहुंच गए। वहां उन्हें शहर के मुर्दाघर ले जाया गया ताकि वे अपने बेटे की पहचान कर सकें। उन्होंने उसकी पहचान कर ली, किंतु ये देखकर उनकी कपकपी छूट गई कि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक पैर था। दोस्तों, इस कहानी में जो माता पिता हैं, वे हम में से बहुत से लोगों की तरह हैं, जो अपनी सुविधाओं को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे उन लोगों से प्यार करना या रहना या समय बिताना चाहते हैं जो दिखने में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, या फिर जिनके साथ रहकर उन्हें मजा आता है। वे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो देखने में स्वस्थ, सुंदर या स्मार्ट नहीं हैं, या जिनके साथ वे मजा नहीं कर पाते, या जो किसी भी रूप में उनके लिए असुविधाजनक हैं। वे ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन कभी कभी उनके इसी व्यवहार के कारण उनके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब उन्हें पछताना पड़ता है। आइए लोगों को वे जैसे हैं वैसे ही अपनाएं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बेशकीमती हैं। धन्यवाद।